और बात इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, यहाँ पर किसान यूनियन ने पकड़ी है 200 ट्रक अवैध चीनी। भिलाई शुगर मिल से अवैध तरीके से निकाली जा रही थी चीनी, जिसे पकड़ लिया गया है। बरामद चीनी का दाम तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भिलाई शुगर मिल से अवैध तरीके से ये चीनी निकालने की कोशिश की जा रही थी। बरामद चीनी की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही। 200 ट्रक चीनी पकड़ी गई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बिजनौर से बता रहे हैं, यहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से 200 ट्रक अवैध चीनी पकड़ी गई है। इससे चीनी को निकालने की कोशिश की जा रही थी और तभी यूनियन के लोगों को इस बात की सूचना मिली, जिसके बाद 200 ट्रक चीनी जब्त कर ली गई। बरामद चीनी की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, किसान यूनियन ने पकड़ी है 200 ट्रक अवैध चीनी। भिलाई शुगर मिल से अवैध तरीके से इस चीनी को निकालने का प्रयास किया जा रहा था और जो चीनी बरामद की गई है इसकी इसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही। रोहित त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, कौन लोग थे जो इतनी बड़ी मात्रा में इस अवैध चीनी को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे थे? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो है किसान जो है गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भिलाई शुगर मिल जो है लगातार किसानों का जो है पेमेंट नहीं कर रही है, जिसको लेकर किसान पहले भी जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और लगातार स्थानियों से मांग कर रहे थे कि जो है हमारा पेमेंट करा जाए। इसको लेकर जो है किसानों का साफ आरोप है कि आज 200 ट्रक में जो है करोड़ों रुपए की चीनी बोरों में भरकर जो है मालगाड़ी से ट्रेन के माध्यम से बिजनौर स्टेशन से भेजी जा रही थी, जिस पर किसानों को कहीं से सूचना मिली और किसान ने वहां पहुंचकर ये 200 ट्रकों में जो चीनी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ अधिकारियों से मांग करी है कि इस जो है जो चीनी भिलाई शुगर मिल भेज रही थी इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो है किसानों ने साफ तौर से कहा था कि जब तक किसानों का पेमेंट ना हो तब तक ये अधिकारी जो है इस मिल की शुगर जो भी चीनी है उसको बाहर ना भेज सके। रोहित, मकसद पता चल पा रहा है कि आखिर इस चीनी को यहाँ से हटाने के पीछे मकसद क्या था? जी अच्छा, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो है प्रशासन और जो गन्ना अधिकारी है उसकी मिली भगत से लगातार जो है चीनी शुगर मिल जो है भिलाई शुगर मिल लगातार चीनी बाहर भेज रही है और किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं कर रही है। ये साफ साफ किसानों का आरोप है और उनका कहना है कि हमें ये जो है हम चीनी को जो पकड़ी हम छोड़ देंगे, लेकिन हमें अधिकारी ये बता दें कि कितने रुपए की चीनी है और जो है ये चीनी जब चली जाएगी और जब इसका पेमेंट आएगा तो क्या किसानों को कर दिया जाएगा, हमें प्रशासन लिखित तौर पर दे दे तो हम ये चीनी छोड़ देंगे। बिल्कुल, 200 ट्रक अवैध चीनी जो जब्त की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया क्या इस दौरान? ये तो मैं बता दूं कि भिलाई शुगर मिल के जो है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आ गए हैं, साथ ही गन्ना विभाग के अधिकारी और एसडीएम मौके पर मौजूद हैं स्टेशन बिजनौर में और लगातार बातचीत कर रही है कि कितनी बड़ी खेत बिना प्रशासन को सूचना दिए भिलाई शुगर मिल कैसे भेज रही थी, इसको लेकर अभी सारी जांच कर रहे हैं, पूरी बात अभी निकल के सामने आई, लेकिन किसानों का आक्रोश साफ है और कहीं ना कहीं किसान अपनी जगह पे सही है क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है और भिलाई शुगर मिल जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और जो अन्य अधिकारी है उनके द्वारा जो है ये चुपचाप जो है करोड़ रुपए की चीनी बाहर भेजी आई थी जनपद बिजनौर से। रोहित, आप वहाँ पर किसानों के बीच में मौजूद हैं, आपने वहाँ पर उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की होगी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं कि कौन कौन इस मिलीभगत में शामिल हो सकता है? जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों की मिलीभगत है और साथ ही जो गन्ना मिल है उसके संचालक है उनकी मिलीभगत से खेल हो रहा था। ये अच्छा, मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर किसान के दिवंगत भी हैं, ये नेता हैं किसान यूनियन के बड़े पद पर हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पेमेंट को लेकर हम पहले गन्ना अधिकारी जो यहाँ पे हैं उनसे मिले थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भिलाई शुगर मिल जो भी चीज बाहर भेजेगी हमारे संज्ञान देखेगी और जो पेमेंट आएगा हम आपको कराएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो भेजी जा रही है, एक तरफ तो इनका कहना है कि हमें कोई नॉलेज नहीं थी अधिकारियों का, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की निजी वगैरह कितनी बड़ी खेत दे लिया है क्योंकि करोड़ों रुपए की चीनी है। किसानों का साफ कहना है हमें ऐतराज है, हम ये चीनी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसका पेमेंट मिलने पर ये हमें लिखित के नहीं देते कि आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान साफ तौर पर जो है जिला प्रशासन और गन्ने अधिकारी के साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं।